आईवीटीवी देखता है इंडिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं आईवी टीवी और मैं हूं आपके साथ शिशि श्रीवास्तव। लोजपा के हाल के बारे में तो हम सब जानते हैं कि लोजपा में उठापटक जारी है। लगातार चिराग गुट और पारस गुट एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। हाजीपुर सीट को लेकर दोनों ही दावा ठोक रहे हैं, लेकिन इसी बीच चिराग पासवान के सुर बदलते नजर आ रहे हैं। चलिए आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल पशुपति पारस केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार बिहार आए थे, जहां से वो हाजीपुर बाढ़ पीड़ितों से मिलने गए थे और वहां उनको भारी विरोध का सामना करना पड़ा। साथ ही साथ उनको काले झंडे दिखाए गए, उनका काफी विरोध किया गया और इसी मामले पर चिराग पासवान ने अपने चाचा पशुपति पारस का समर्थन किया है। उन्होंने ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि लोकतंत्र आपको विरोध करने का पूरा अधिकार देता है, पर विरोध अहिंसक व मर्यादित होना चाहिए, हिंसक नहीं। हाजीपुर में केंद्रीय मंत्री जी की यात्रा में जिस प्रकार विरोध के लिए हिंसा का उपयोग किया गया, उसकी मैं निंदा करता हूँ। शब्दों में अपने आक्रोश को प्रकट करें, ना कि हिंसा से। अभी तक जहाँ चिराग पासवान अपने चाचा का विरोध कर रहे थे, दोनों एक दूसरे को आंख दिखा रहे थे, वहीं अब चिराग पासवान ने अपने सुर बदल लिए हैं और अपने चाचा का समर्थन कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि चिराग का ये बयान राजनीति से प्रेरित है या सच में वो इस विरोध की निंदा करते हैं, क्योंकि पारस गुट के केशव सिंह ने चिराग पासवान के ऊपर गंभीर आरोप भी लगाए हैं और उन्हें जेल भेजने की धमकी भी दी है। तो क्या इसी कारण से चिराग पासवान अपने चाचा का समर्थन कर रहे हैं? हालांकि ये भी देखना दिलचस्प होगा कि चिराग का ये बयान उनके चाचा पशुपति पारस को रास आता है या नहीं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इसी के साथ देखते रहे आईवी टीवी। हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे लाइक करें और ट्विटर पे फॉलो करें। धन्यवाद।